जहाँ सीधे साधे लोगों का डेरा है, खुशहाली से भरा वो गांव मेरा है। वेलकम फ्रेंड्स इन प्रिंस जेंट्स की ब्लॉग मेरा प्यारा गांव पार्ट 3। रिक्शा में बैठे हैं और ये देखिए फुल स्पीड में जा रहे हैं गांव से पुसौली की तरफ। रिक्शा गांव का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। खेती हो रही है, विद्यालय है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे खेती होती है। ये वो नदी है, पहले इसमें बिहार में इसी में बाढ़ आ जाती थी लेकिन अब पुल, अच्छा दुर्गावती से मिला हुआ है। भैंस वैंस अंदर आराम से विश्राम कर रही हैं, तैर रही हैं और यहीं पे ही इसी पुल बन गया है। अब तो यहीं से पहले दीक्षा नाव से उस पार जाती थी, ये पुल बना है नया नया और इसी नदी को क्रॉस करके दीक्षा जी जा वो स्कूल है। दीक्षा यहीं से नाव पे बैठ के वहाँ तक जाती थी पढ़ने के लिए और अब तो सर बिहार सरकार ने बढ़िया काम किया है, पुल बनवा दिया है, लेकिन पहले बनवाना चाहिए था तो बिहार जो है वो देखिए ट्रेन जा रही है और उसमें मालगाड़ी है, इसमें सामान जा रहा है पूरा। बिहार जो है खनन में बहुत रिच है, ये हाईवे है और खनन कोयला, पहले झारखंड बिहार एक था, अलग हुआ तो इधर से जितना भी कोयला और ये सब होता है अलग अलग देश राज्यों इवन अलग अलग देशों में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बहुत बहुत ही सुंदर ब्रिज बना हुआ है, ये सब डेवलपमेंट है बिहार में। और ये जो पुल है ये डायरेक्ट पटना को जोड़ता है, ये हाँ ये दीक्षा जी का स्कूल है जिसमें पढ़ा करती थी। तो आज भी ये स्कूल यहीं इसी जगह स्थित है। क्या नाम है स्कूल का? बघेल स्कूल। पहले की ट्रेन जा रही है, पुसौली में हूँ इस समय दीक्षा के साथ और मैं यहाँ के मार्केट को दिखाता हूँ थोड़ा बहुत आपको। रिक्शे से लोग अप डाउन करते हैं, पूरा मार्केट है यहाँ पे, आप शॉपिंग करना चाहो तो कर सकते हो और काफ़ी अच्छी मार्केट है। खाने पीने का थोड़ा सा गंदगी है लेकिन कोई नहीं, बिहार में ये सब नॉर्मल है, लेकिन सामान और यहाँ पे खादी की चीज़ें मिलती हैं और सबके गले में मिल जाता है गमछा। यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करने के बाद अपन लोग अब निकल रहे हैं, काफ़ी धूप है, उमस काफ़ी है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पहले हालत देखो, इतना पसीना निकल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी हम एक शॉप पे हैं जिसका नाम है परी केक एंड परी पार्लर,
तो यहीं पर ही है, और हैदराबाद से केक जो ऑर्डर होता है वो यहीं से जाता है, काफ़ी अच्छा डिलीशियस केक रहता है। और हम लोग यहीं पे आए हैं इनसे मिलने के लिए फर्स्ट टाइम इन बिहार, और वो पानी वानी लेने के लिए गए हैं, और यहाँ दीक्षा भी बैठी हुई है थोड़ा देर, और अभी पानी आएगा फिर पियेंगे, फिर वापस फिर घर जाएंगे। मम्मी के लिए हम लोगों ने लिया है क्या गोलगप्पे, पानी पूरी गोलगप्पे बस। अरे ठीक है प्रयाह भाजी, इतना क्यों बोल रहे हो आप? क्या काफी सामान रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और बर्थडे वाले। तो परी पार्लर भी चलता है क्या आपका? अच्छा 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 आराध्या, अच्छा ये देखो आराध्या के पास प्यारा सा खरगोश भी है, आराध्या की फ्रेंड। इसका कुछ नाम रखे हो? क्या नाम? पिंकी। अरे वाह, पिंक पिंक है अभी। अरे इसको बिंदी लगाई है भाई, अरे वाह। और परी केक शॉप से अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे, और अब निकल रहे हैं, और काफी थकान सी हो गई है, अब घर जाके आराम करेंगे। इसे भुजिया जो है वो जा गया है पूरा ये बालू नमक में, और नमक से स्वाद आ जाता है। और ये हम पार्सल करा रहे हैं ताकि, हाँ बिल्कुल पैक कर दिए ताकि डैडी मम्मी के साथ बैठ के खाएं गर्मा गर्म। तीखी चटनी है, पैक करा लिया, और हम लोग मम्मी डैडी के लिए लेके जाएंगे घर पे ताकि साथ में बैठ के खाएं। चलो मैं पेमेंट करता हूँ। ये समोसा, ये समोसा, ये भी आया है, देसी चटनी है, क्या क्या समोसा है। और यहाँ पर पैकिंग शुरू हो गई है वापस जाने के लिए। मम्मी, मम्मी दोस्तों मेरा प्यारा गांव पार्टी का ब्लॉग भी खत्म होता है, क्योंकि अब हम गांव को छोड़ के वापस जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। छुपन छुपाई खेल रही है, तो कैसे एक कोच है और मैं अभी पट गई हूँ, अभी लौट गए हैं, और ये इधर पर्दा लगा हुआ है, और इधर ये लाइट दिया हुआ है ऑन ऑन करने के लिए, लेकिन लाइट इधर गायब है। बात है देखो ट्रेन में कॉकरोच है, ऑनलाइन कंप्लेंट डालना है, छोटे छोटे कॉकरोच बड़ा। इंडियन रेलवेज कब सुधरेगा भाई? अच्छा है बिहार। बाकी बाहर का नजारा दिखा देता हूँ। अभी शाम का वक्त था, निकले हैं यहाँ से, खाना लटका, और हम लोग अभी निंद्रासन धारण करेंगे, खाना खा चुके हैं, निंद्रासन धारण करेंगे। चलिए ठीक है, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। रखते हैं क्या? यू आर टॉकिंग एंड फोर मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। Thank you.
घर का बना हुआ अदरक वाला चाय बोले चाय चाय बोलो अदरक वाला चाय घर का बना हुआ चाय बोलो भैया दिक्कू संतरा ले रही है।